हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए डीआरडीओ एमटीएस के लिए 30 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैंने सिलेबस बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीके के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 30 क्वेश्चंस आएंगे, माइनस मार्किंग होगी नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल दिल खोल के देखिएगा। जिस क्वेश्चंस का आंसर ना भी आता हो, उसको भी आप गैस कुछ भी सिक्स सेंस लगा करके आप उसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि डीआरडीओ में माइनस मार्किंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टेस्ट को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर दोस्तों? कर्नाटक में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि इसरो ने 27 नवंबर 2019 को भारत का सबसे परिष्कृत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ध्यान रखना, करंट अफेयर्स हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। तो करंट अफेयर्स में हम ज्यादा फोकस करेंगे और इस टेस्ट को जो डिजाइन किया गया है वो इसी वे में किया गया है, जिस हिसाब से आपका सिलेबस है डीआरडीओ एमटीएस का। तो ध्यान से दीजिएगा इस क्वेश्चंस का आंसर। तो आपका सही आंसर है आपका कार्टोसैट 3। इसरो ने 27 नवंबर 2019 को भारत का सबसे परिष्कृत पृथ्वी अवलोकन, यानी कि ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा, लॉन्च किया, उसका नाम है कार्टोसैट 3। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एडमिरल सुशील कुमार। कौन? एडमिरल सुशील कुमार। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक हैं एडमिरल सुशील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में अतिशीघ्र चलायमान मुद्रा यानी कि हॉट मनी किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? हॉट मनी किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। तो ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? जल्दी बताइए। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। पहली हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी आपकी बल्लभी में। कहाँ पर? बल्लभी में हुई थी आपकी दूसरी। तीसरी हुई थी आपकी सतुलबाहु में। कहाँ? सतुलबाहु में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय महिला संगीतकार, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी M.S. सुब्बालक्ष्मी, जिनको 1998 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये कर्नाटक की गायिका थी। कहाँ की? कर्नाटक की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले पानी के जल डमरू को क्या कहते हैं? तो आप सभी लोगों को पता होगा, पाक जल डमरू। क्या कहते हैं? पाक जल डमरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, 2019 विश्व महिला रैपिड चैंपियन कौन बना? 2019 विश्व महिला रैपिड चैंपियन कौन बना? तो कौन बना? आपको पता होना चाहिए, कोनेरू हम्पी बनी। कौन बनी? कोनेरू हम्पी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी 2019 महिला विश्व रैपिड चैंपियन बन गई, ठीक है? और ये जो प्रतियोगिता है ये मॉस्को रूस में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज 2023 में पुरुष हॉकी कप की मेजबानी करेगा? तो राज्य की बात आए तो उड़ीसा, और 2023 में जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है ये अपने भारत में होगा, और डीपली क्वेश्चंस पूछा जाए तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
कच्छ का रण उत्तरी पश्चिमी गुजरात में स्थित है, और किसका सीमावर्ती सिंध प्रांत है? कच्छ का रण किसका सीमावर्ती सिंध प्रांत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा, जल्दी से बता दीजिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पाकिस्तान का, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। किसका है? पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा, जल्दी बता दीजिए। तो किसे चुना गया? ये चुना गया बेन स्टोक को, और अभी हाल ही में आईसीसी बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड बेन स्टोक को ही मिला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? तो जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है वो हमारे वित्त मंत्री करते हैं, और प्रेजेंट टाइम में कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्वच्छ समुद्र एनडब्ल्यू 2019 नामक 2 दिवसीय क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास कहाँ शुरू किया? तो कहाँ पर शुरू किया? ये किया गया आपका वाडियार में। कहाँ पर? वाडियार में, कक्ष की खाड़ी है वाडियार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द किसको समर्पित है? कृषि के संदर्भ में वारानी शब्द, तो वारानी शब्द जो है ये वर्षा पर आधारित कृषि है। क्या? वर्षा पर आधारित कृषि, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ड्रीम्स ऑफ अ विलियम्स इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो नामक पुस्तक जो है ये बोरियम मजूमदार, और इनके साथ एक और थे नलिन मेहता। कौन? नलिन मेहता। तो फिलहाल तो आप इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन सही करेंगे। कौन सा? पहला ऑप्शंस। और अगर बोरिया मजूमदार ना दिया हो तो लनिन मेहता भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ने मिलकर लिखी। महलवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था? जल्दी बताओ किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो महलवाड़ी व्यवस्था का जो विचार है ना, ये हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। किसने? हॉल्ट मैकेंजी, यानी कि पहला ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मिनी निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनजाति है? मिनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पहली बार पढ़ रहे होंगे लगभग, तो जिसको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है, तीसरा ऑप्शंस करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शंस। सर्वोच्च न्यायालय के कितने महान्यायाधीशों पर अब तक महाभियोग चलाया गया? सर्वोच्च न्यायालय के कितने महान्यायाधीशों पर अब तक महाभियोग चलाया गया? तो सही आंसर है आपका 0। दीपक मिश्रा थे, उन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन पूर्ण नहीं हो पाई थी। तो अभी एक भी महान्यायाधीश ऐसा नहीं है जिस पर महाभियोग चलाया गया हो। लोकतक पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो देखो हमें नहीं पता, आपको पता लोकतक झील कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है, तो लोकतक पावर स्टेशन उसी झील पर बना, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? मणिपुर में ही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में किसने नए सेवा सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया? आप सभी लोग जानते हैं मनोज मुकुंद नराव ने, जो किसके स्थान पर आए? जनरल बिपिन रावत के स्थान पर, और जनरल बिपिन रावत को पहला स्टाफ कमीशन बना दिया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दुधवा बांध किस नदी पर है? अब आप ये नहीं सोचने लगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो दुधवा बांध जो है ये किस नदी पर है? ये महानदी पर है, और ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा बिहार को एक आदिवासी कल्याण मंत्री की नियुक्ति से मुक्त किया गया? तो सही आंसर है आपका 94वां संविधान संशोधन 2006, यानी कि पहला ऑप्शंस करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शंस। नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ। नौ सेना दिवस मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को, जबकि सेना दिवस मनाते हैं हम 15 जनवरी को, और 8 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? वायुसेना दिवस। तो ये तीनों दिवस ही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो सरोद वादक कौन है? अमजद खान जो है ये सरोद वादक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें 1991 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ पर किया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
लखनऊ, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पर किया? लखनऊ में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की पोजीशन क्या रही? तो भारत की जो पोजीशन है वो रही है आपकी 9वीं। कौन सी पोजीशन पे रहा भारत? 9वें नंबर पे रहा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया? फार्माकोपिया जो है वो एक बुक है, और इसको मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत शैली में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीजी अवार्ड 2020 किसने जीता? तो प्रोडीजी अवार्ड जो है ये सुचेता सतीश ने जीता। किसने जीता? सुचेता सतीश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, केरला की पहली बच्ची या बच्चे को बहादुरी के लिए भारत पुरस्कार दिया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आदित्य के। क्या नाम है? आदित्य के। केरल के हैं ये, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया, भारत पुरस्कार दिया गया। किसको? आदित्य के को। और लास्ट क्वेश्चन, आगामी सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में भागीदार राष्ट्र कौन होगा? जल्दी बताओ, भागीदार राष्ट्र कौन होगा? तो सही आंसर है आपका उज्बेकिस्तान। कौन होगा? उज्बेकिस्तान, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये था आपका DRDO MTS के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि मैंने आप लोगों को जो थंबनेल दिया है उसमें मैंने बोला 30 में से केवल 5 करके ही बताओ, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि आप लोग वीडियो को अवश्य देखें। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर के आ रहा हूँ इसलिए, हालांकि आपको 30 में से कम 25 नंबर तो लाने ही है। तो जिस बच्चे के 30 में से 25 नंबर आए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है? और आज मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चंस है वो ये रहा कि किसे उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? किसे उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।